एक 40 साल की लड़की है जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्मोकिंग नहीं की थी, उसको 4 हफ्ते से लगातार खांसी थी और जब वो डॉक्टर के पास गई तो रिपोर्ट देख के पूरा परिवार शॉक रह गया कि उसको असल में स्टेज 4 लंग कैंसर था। सबको लगा कि अब आगे लाइफ बहुत शॉर्ट है, पर जब उसके ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग हुई तो उसको सिर्फ एक टैबलेट पे शुरू किया गया जिससे उसने सालों साल की हाई क्वालिटी एक्सलेंट लाइफ पाई। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर के उस प्रकार का जिसका सबसे लंबा सर्वाइवल है, इसको हम बोलते हैं ALK पॉजिटिव लंग कैंसर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे हम कॉमनली कैंसर के एडवांसेस और न्यू कैंसर रिसर्च के बारे में डिस्कस करते हैं, और चैनल के रेगुलर व्यूअर्स ये जानते होंगे कि ओवर टाइम वेरियस कैंसर का आउटकम ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, और कुछ कैंसर जो पहले मंथ्स का सर्वाइवल रखते थे, आज के दिन वो कई कई साल और इवन डेकेड प्लस का सर्वाइवल रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहुत ही स्पेशल तरह के लंग कैंसर का जिसको हम बोलते हैं एनाप्लास्टिक लिम्फोमा काइनेज पॉजिटिव या ALK पॉजिटिव लंग कैंसर, और इस स्पेशल कैंसर का सर्वाइवल ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कुछ महीनों से बढ़कर आज के दिन 10 ईयर्स से ज्यादा तक जा चुका है। तो आज के वीडियो में हम ALK पॉजिटिव लंग कैंसर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में देंगे, तो इस यूनिक कैंसर के बारे में जानने के लिए वीडियो से जुड़े रहे। तो वीडियो में फ्रेंड्स सबसे पहले ये जानते हैं कि ALK पॉजिटिव लंग कैंसर से हमारा मतलब या तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, लंग कैंसर के ऊपर हमने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस कई बार डिस्कस किए हैं, और हमारा रिसेंट स्टेज 4 लंग कैंसर का डिटेल्ड वीडियो अब वीडियो पे डिस्प्लेड लिंक क्लिक करके डिटेल में देख सकते हैं। बट ब्रीफली, लंग कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। लंग कैंसर का पेशेंट यदि बीमारी लेके आता है तो लंग कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज का स्पेक्ट्रम है, और पेशेंट को यूजली 12 या 13 अलग अलग बीमारियों में से एक बीमारी होती है जो ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग से हम डिटरमिन कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह की बीमारी है। तो यदि कोई पेशेंट स्टेज 4 लंग कैंसर लेके हमारे पास आता है तो टिपिकली इसको ट्यूमर की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है जिससे पेशेंट को 12 या 13 कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जिस कैटेगरी में पेशेंट है उस कैटेगरी के हिसाब से पेशेंट का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किया जाता है, और हर कैटेगरी का इलाज अलग है, हर कैटेगरी का सर्वाइवल अलग है, और हर कैटेगरी का प्रोग्नोसिस अलग है। तो इन्हीं कैटेगरी में से एक स्पेशल तरह की लंग कैंसर कैटेगरी होती है, इसको ALK पॉजिटिव लंग कैंसर बोलते हैं। और इंडिया में ALK पॉजिटिव लंग कैंसर, यदि हम पूरे लंग कैंसर का ग्रुप ले तो रफली 5-10% ऑफ ऑल लंग कैंसर आर ALK पॉजिटिव लंग कैंसर। ALK पॉजिटिव लंग कैंसर एक बहुत ही स्पेशल तरीके का लंग कैंसर है फॉर मेनी रीजंस। नंबर वन, ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का सर्वाइवल आज के दिन मोर देन अ डेकेड तक भी माना जाता है, और इस कैंसर चाहे वो स्टेज 4 में पकड़ा जाए इसका आउटकम बहुत बहुत अच्छा है। नंबर टू, यूजुअली इस कैंसर में कीमोथेरेपी ऐसी हार्ड कैंसर ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती, और सिंपल ओरल टैबलेट से पेशेंट बहुत अच्छा आउटकम और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पा सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई ये कैंसर अगर इतना अच्छा आउटकम रखता है तो कैसे पता चलेगी मेरे को या मेरे पेशेंट को ये वाला कैंसर है या नहीं, यानी ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो फ्रेंड, जब भी हमारे पास कोई लंग कैंसर पेशेंट आता है तो लंग कैंसर पेशेंट में पहले तो कुछ क्लिनिकल क्लूज होते हैं, यानी पेशेंट को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में ALK पॉजिटिव लंग कैंसर होने का कितना चांस है। तो फ्रेंड्स, ALK पॉजिटिव लंग कैंसर के पेशेंट टिपिकली बहुत यंग एज के होते हैं, यानी नॉर्मली लंग कैंसर एक ओल्डर लोगों की बीमारी है, बट ALK पॉजिटिव लंग कैंसर टिपिकली यंगर पेशेंट यानी 40s, 50s और कभी कभी 30s के पेशेंट में भी होने वाला स्टेज 4 लंग कैंसर टिपिकली ALK पॉजिटिविटी का प्रेजेंट करता है। तो ALK पॉजिटिव लंग कैंसर एक यंगर एज का लंग कैंसर में देखा जाता है। सेकंड, ALK पॉजिटिव लंग कैंसर फीमेल्स में ज्यादा देखा जाता है कंपेयर टू मेल्स। तो फ्रेंड्स, क्लासिकली हम देखते हैं कि लंग कैंसर एक मेल्स की ज्यादा कॉमन बीमारी है क्योंकि मेल स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, इसलिए मेल्स में ज्यादा कॉमनली लंग कैंसर होता है। बट ALK पॉजिटिव लंग कैंसर यूनिक है कि ये लेडीज में ज्यादा होता है कंपेयर टू जेंट्स, और फीमेल कैंसर इज मोर लाइकली टू बी ALK पॉजिटिव कंपेयर टू मेल कैंसर। थर्ड, ALK पॉजिटिव कैंसर नॉन स्मोकर्स में टिपिकली देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, टिपिकली स्मोकर में होने वाले कैंसर अलग तरह के होते हैं जिनमें डिफरेंट तरह की म्यूटेशन होती है, और खासकर में इम्यूनोथेरेपी अच्छा काम करती है। पर ALK पॉजिटिव कैंसर टिपिकली नॉन स्मोकर या वेरी लाइट स्मोकर्स में देखा जाता है। तो यदि क्लिनिक में कोई पेशेंट हम देखते हैं स्मोकिंग कभी नहीं करी है पर उसको लंग कैंसर हो गया है, तो हमारा ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का सस्पिशन बढ़ जाता है। फोर्थ, ALK पॉजिटिव लंग कैंसर में ब्रेन में फैलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसलिए यदि हम ओपीडी में कोई पेशेंट देखते हैं इसको स्टेज 4 लंग कैंसर है, उसकी ब्रेन के अंदर भी गांठें हैं, तो कई बार हमारे माइंड में विचार आता है कि कहीं ये ALK पॉजिटिव लंग कैंसर तो नहीं है, क्योंकि जितने भी लंग कैंसर के प्रकार है उनमें से हायर टेंडेंसी टू स्प्रेड टू ब्रेन ALK पॉजिटिव लंग कैंसर में होता है। तो क्लासिकली ये 3-4 फीचर्स देख के हम ओपीडी में पेशेंट देख के शक करते हैं कि ALK पॉजिटिव लंग कैंसर है। इंपॉर्टेंटली, पेशेंट में ये फीचर ना हो तो भी पेशेंट को ALK पॉजिटिव लंग कैंसर हो सकता है, इसलिए ALK की टेस्टिंग हमें हर पेशेंट में करनी पड़ती है। तो ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है?
तो फ्रेंड्स ALK पॉजिटिव लंग कैंसर को डायग्नोज करने के लिए टिपिकली ट्यूमर की जांच करनी होती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लंग कैंसर अलग अलग प्रकार का होता है और अलग अलग प्रकार के लंग कैंसर में अलग अलग दवाइयां काम करती है। तो इसके लिए टिपिकली जो पेशेंट की जो बायोप्सी हुई है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की नीडल से या ब्रोंकोस्कोपी से किसी भी तरीके से कैंसर का टुकड़ा जो बॉडी से निकला है, बेसिस पे उसको कैंसर का डायग्नोसिस मिला है, उस टुकड़े की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। यानी उस टुकड़े के अंदर का डीएनए टेस्ट करके हम बता रहे थे कि कैंसर का सब टाइप क्या है। आज के दिन लंग कैंसर के सारे प्रकारों का टेस्ट एक सिंगल शॉट में होता है। यानी यूजली हम अलग से EGFR, ALK, ROS, KRAS, BRAF अलग अलग टेस्टिंग नहीं करते। पेशेंट के ट्यूमर के टेस्ट टुकड़े को एक ही शॉट में सारे के सारे जीन्स के लिए एक शॉट में टेस्ट कर लेते हैं और टिपिकली इस टेस्टिंग से ALK पॉजिटिव आया था। विद इन दिस जेनेटिक टेस्टिंग अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है, जैसे IHC, FISH, NGS इत्यादि, बट टिपिकली यू कैन गेट द रिजल्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। टिपिकली एक से दो हफ्ते के विदिन हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है और यूजली ये टेस्ट ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आज के दिन ये टेस्ट 5,000 से 15,000 के बीच में इजिली हो जाता है और 1 to 2 weeks में इसकी रिपोर्ट इजिली आ जाती है, जिस वजह से हम पेशेंट को ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस हम दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ट्यूमर का टुकड़ा पाना मुश्किल होता है। यानी ट्यूमर का टुकड़ा बॉडी में बहुत डीप है, नीडल वहां तक नहीं जा सकती, या कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म हो गया पर टुकड़े की एक क्वांटिटी बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है, और इसकी जेनेटिक टेस्टिंग नहीं हो सकती। तो आज के दिन एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं और लिक्विड बायोप्सी से रिलेटेड वीडियो हमारा स्क्रीन पर लिंक फॉलो करके देख सकते हैं। तो यदि टुकड़ा अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट के ब्लड में से ट्यूमर का शेड डीएनए निकाल के उसको एनालाइज कर सकते हैं और ALK पॉजिटिव लंग कैंसर ब्लड से भी डायग्नोस किया जा सकता है। हालांकि इसकी एक्यूरेसी टुकड़े से कंपेयर कम है, इसलिए हमारा सेकंड चॉइस होता है। तो यदि पेशेंट के पास टुकड़ा नहीं है तो लिक्विड से भी ALK पॉजिटिव लंग कैंसर को हम इजीली डायग्नोस कर सकते हैं और इस बेसिस पे ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ALK पॉजिटिव लंग कैंसर का टिपिकली ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रेंड्स कि टारगेटेड थेरेपी नाम की टेक्नोलॉजी से सबसे सेंसिटिव कैंसर में से एक ALK पॉजिटिव लंग कैंसर है। तो फ्रेंड्स, टारगेटेड थेरेपी का टॉपिक हमारे चैनल पर फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया जाता है, चाहे तो हमारा टारगेटेड थेरेपी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। बट टारगेटेड थेरेपी का बेसिक मतलब होता है कि ये कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज होती है जो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में जो डिफरेंट जेनेटिक्स है उसको स्पेसिफिकली टारगेट करती है। यदि कोई जेनेटिक म्यूटेशन है जो सिर्फ कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में नहीं है, तो इस तरह की दवाइयां ईजाद की जाती है जो सिर्फ उस पर्टिकुलर टारगेट को जाकर हिट करती है और किल करती है, और ये दवाइयां बॉडी में जाकर सिर्फ ट्यूमर सेल को किल करती है, नॉर्मल सेल को नहीं किल करती, और इस टेक्नोलॉजी को कैंसर टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो चूंकि ALK म्यूटेशन सिर्फ कैंसर सेल में होती है और नॉर्मल सेल में नहीं होती, इसलिए स्पेशल दवाइयां बनाई गई है सिर्फ ALK वाले सेल्स को किल करती है और नॉर्मल सेल को नहीं टच करती, और ये हाईली इफेक्टिव दवाइयां होती है जिनको ALK इनहिबिटर बोलते हैं। तो ALK इनहिबिटर कुछ गोलियां होती है जो ALK नाम के जीन पे जाके अटैक करती है, उसको किल करती है, जो स्पेसिफिकली लंग कैंसर सेल को मारती है, नॉर्मल सेल को नहीं मारती। इसकी वजह से बहुत बहुत अच्छा आउटकम देते हैं विद वेरी वेरी लो साइड इफेक्ट्स। और यदि हमारे पास क्लिनिक में कोई भी पेशेंट ALK पॉजिटिव लंग कैंसर लेके आता है तो उनका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस ALK टारगेटेड थेरेपी या ALK इनहिबिटर, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, अच्छा सर ALK इनहिबिटर जो है ये कैसे है, कितना कॉस्ट है, क्या इजिली अवेलेबल है, किस टाइप के है। तो आज के दिन इंडियन मार्केट में 3 generations ऑफ ALK इनहिबिटर अवेलेबल है, यानी 3 era की दवाइयां है जो ईच पिछली इरा से ज्यादा एडवांस्ड है। तो इंडिया में फर्स्ट जनरेशन ALK इनहिबिटर अवेलेबल है जिसको क्रिजोटिनिब या क्रिजाल्क बोलते हैं, सेकंड जनरेशन ALK इनहिबिटर अवेलेबल है जिसको सेरेटिनिब या स्पेक्सिब और एलेक्टिनिब या एलेसेंसा बोलते हैं, और थर्ड जनरेशन ALK इनहिबिटर बोलते हैं इसको लोरलैटिनिब या लोरबिक्वा बोलते हैं। तो ग्रॉसली ये 4 main दवाइयां है जो आज के दिन इंडिया में अवेलेबल है जिसको हम ALK पॉजिटिव लंग कैंसर में यूज कर सकते हैं, और इन ऑर्डर ऑफ देयर एफिकेसी बेस्ट होता है लोरलैटिनिब, सेकंड बेस्ट होता है एलेक्टिनिब, थर्ड बेस्ट है सेरेटिनिब और फोर्थ बेस्ट है क्रिजोटिनिब, और इस ऑर्डर में ये 4 drugs अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली यू विल आस्क कि सर जब ये 4 drugs अवेलेबल है तो इन 4 में डिफरेंस क्या, हम किस बेस पे डिसाइड कर देंगे चारों में से कौन सा ड्रग यूज करना है। तो मोटा मोटा फ्रेंड्स, जितना नया ड्रग है उतना एडवांस्ड ड्रग है, उतनी स्ट्रॉन्गर एंटी ट्यूमर कंट्रोल है, उतनी लंबी सर्वाइवल है और उतनी हायर एफिकेसी है, बट एट द सेम टाइम उतना हायर कॉस्ट है। तो जो बेस्ट ड्रग है जिसको लोरलैटिनिब या लोरबिक्वा बोलते हैं, उसमें सबसे लंबा और सबसे इफेक्टिव ट्यूमर कंट्रोल है। इनफैक्ट डेटा ये कहता है कि यदि पेशेंट ALK पॉजिटिव स्टेज 4 कैंसर लेके आए और उसको लोरलैटिनिब या लोरबिक्वा दी जाए तो 5 साल के बाद भी मेजोरिटी ऑफ पेशेंट में बीमारी कंप्लीटली कंट्रोल रहती है और पेशेंट में कोई रिकरेंस नहीं होता। तो इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पोटेंट ड्रग, बट इट इज ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग। टिपिकली लोरलैटिनिब या लोरबिक्वा से ट्रीटमेंट का कॉस्ट
अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज पर मंथ होता है, तो ये एक्सपेंसिव ड्रग है। सेकेंड मोस्ट इफेक्टिव ड्रग को हम एलेक्टिनिब या एलेसेंसा बोलते हैं। तो एलेक्टिनिब भी एक बहुत इफेक्टिव ड्रग है, बट लोरलैटिनिब से कंपेयर कम इफेक्टिव ड्रग है। और एलेक्टिनिब का टिपिकल कॉस्ट 50,000 to 90,000 पर मंथ के बीच में वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन किस डोज पे ड्रग को यूज किया जाए। तो टिपिकली 50,000 to 90,000 पर मंथ में पेशेंट एलेक्टिनिब ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं। जो थर्ड नंबर का ड्रग है यानी सेरेटिनिब है, उसका टिपिकल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 to 45,000 के बीच में होता है, और इस कॉस्ट पे पेशेंट इस ड्रग को एक्सेस कर सकते हैं। और ये एलेक्टिनिब से इन्फीरियर बट क्रिज़ोटिनिब से बेटर ड्रग है। और जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग है यानी क्रिज़ोटिनिब, आज के दिन अराउंड 50,000 to 60,000 पर मंथ का है, बट नेक्स्ट ईयर इस ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन है कि इसका कॉस्ट 70% to 80% कम हो जाएगा और ये ड्रग काफी चीप रेट पे पेशेंट्स को अवेलेबल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस है, जितना एक्सपेंसिव ड्रग है उतना वो इफेक्टिव ड्रग है, और थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन में ड्रग्स का ऑर्डर है। तो हम पेशेंट्स को टिपिकली ये सजेस्ट करते हैं कि जिस जनरेशन का ड्रग वो अफोर्ड कर सके उस जनरेशन का ड्रग वो पेशेंट यूज करे, ताकि पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल आउटकम और मैक्सिमम पॉसिबल सर्वाइवल मिल सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर का टिपिकली सर्वाइवल कितना होता है। तो फ्रेंड्स, एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ दी कैंसर इन द बॉडी है जिसका स्टेज फोर में सर्वाइवल सबसे ज्यादा है। टिपिकली हम बात करते हैं कि स्टेज फोर का सर्वाइवल ग्रेजुअली विद रिसर्च एंड न्यू टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका आज के दिन सर्वाइवल मोर देन अ डेकेड माना जाता है। इनफैक्ट जो लास्ट रिसर्च हुई थी अराउंड 4 या 5 years बैक, उसमें देखा गया था कि एवरेज सर्वाइवल ऑलरेडी 7 to 8 years क्रॉस करने लग गया है, और उसके बियॉन्ड नई इनोवेशन और नए ड्रग्स के आने के बाद ये सर्वाइवल और ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट थर्ड जनरेशन के बियॉन्ड के ड्रग्स भी इस समय रिसर्च में और मार्केट में आने वाले हैं, और देखा गया कि इन ड्रग्स का इफेक्ट लोरलैटिन से भी बेटर है और वो लोरलैटिन से भी ज्यादा डिजीज कंट्रोल और सर्वाइवल दे सकते हैं। इसलिए मोस्ट पीपल एक्सपेक्ट कि जो आज के दिन पेशेंट यदि एल्क का डायग्नोज हुआ है तो उसका सर्वाइवल बियॉन्ड 1 decade में भी इवन 15 or 20 years तक पोटेंशियली जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजीज विच पेशेंट कैन एक्सेस। तो एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर का सर्वाइवल बहुत बहुत ज्यादा है एंड पेशेंट डू वेरी वेरी वेल। इनफैक्ट हमारे चैनल पेज के थ्रू और स्क्रीन पे डिस्प्ले लिंक के थ्रू आप हमारे एक एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर पेशेंट का वीडियो इंटरव्यू देख सकते हैं। और ये एक ऐसे पेशेंट है, जब हमने इंटरव्यू लिया था जो कि 3-4 साल पहले था, तभी ये पेशेंट 6-7 years क्रॉस कर चुके थे, एंड एज ऑफ टुडे यानी 2025 पेशेंट हैज ऑलमोस्ट क्रॉस 9 to 10 years सिंस डायग्नोसिस, और पेशेंट अपनी रोज एक गोली लेके आराम से अपनी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कंफर्टेबली जी रहा है। और तो एल्क पॉजिटिव वाले पेशेंट को वीडियो जरूर देखना चाहिए। इनफैक्ट पेशेंट ने अब अपनी 70-year एनिवर्सरी कंप्लीट कर ली है और ऑलमोस्ट 9 years से टैबलेट लेते रहते पेशेंट और बहुत ही हैप्पी, हेल्दी और गुड क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं सिर्फ एक टैबलेट लेके। तो इंपॉर्टेंटली ये एक आउटलायर आउटकम नहीं है। आज के दिन जो भी पेशेंट को एल्क डायग्नोज हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ऐसा आउटकम पा सकते हैं और एक लॉन्ग, हेल्दी एंड एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सकते हैं। और टिपिकली इन पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होते नहीं है, एंड पेशेंट लीड अ वेरी गुड एंड नॉर्मल लाइफ। तो एल्क पॉजिटिव पेशेंट सर्वाइवल इज वेरी वेरी गुड एंड प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल अमंग स्टेज फोर कैंसर, और लंग कैंसर में डेफिनेटली प्रोबेबली द बेस्ट सर्वाइवल अमंग स्टेज फोर लंग कैंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो। तो फ्रेंड्स, एल्क पॉजिटिव लंग कैंसर हालांकि पेशेंट रिलेटिवली अनकॉमन होते हैं, पर जब भी ये पेशेंट आते हैं तो ओपीडी में सब खुश होते हैं, क्योंकि वी ऑल नो दैट वी कैन प्रॉमिस द पेशेंट अ गुड आउटकम एंड मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट विल लिव वेरी लॉन्ग, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कैंसर, शेयर दी होप। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑलमोस्ट हर कैंसर में इसी तरह की मॉडर्न मेडिकल रिसर्च से आउटकम ईयर बाय ईयर इंप्रूव होता जा रहा है, एंड वेरी कॉमनली आज के दिन में हम स्टेज फोर पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देखते हैं। तो यदि आप कैंसर के सर्वाइवल, कैंसर के ट्रीटमेंट्स और इंडियन पेशेंट्स के लिए कैंसर रिलेवेंट टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज यह है कि वर्ल्ड का लेटेस्ट और बेस्ट कैंसर रिसर्च और कैंसर ट्रीटमेंट की जानकारी हमारे कंट्री के पेशेंट को उनकी भाषा में मिले। तो इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें और चैनल से जुड़े। यदि वीडियो में डिस्कस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन है, वीडियो में आंसर नहीं हुए, तो कमेंट्स में या वीडियो पे डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप मेरे को अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।